लोहाघाट में धूमधाम से हुआ 2 दिन का कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का शुभारंभ। आज मुख्य मेला होगा। लोहाघाट में 2 दिन का श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव सोमवार को धूमधाम से शुभारंभ हो गया। सुबह से ही इलाके के प्रसिद्ध ऋषेश्वर महादेव मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर, शीतला माता मंदिर, हनुमान मंदिर, राम मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। लोगों के द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उपवास भी रखा गया है। क्षेत्र के पंडित अनिल जोशी ने बताया कि आज रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा और जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हम लोगों ने उपवास रखा है। आज ये पवित्र ऋषेश्वर महादेव मंदिर में रात्रि के 12 बजे जन्मोत्सव, श्री कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। आप देख रहे हैं अत्यधिक मात्रा में महिलाएं आज व्रत किए हुए हैं। भगवान ऋषेश्वर महादेव का एक अद्भुत शक्ति है जिसके माध्यम से यहाँ पर महिलाओं ने आज व्रत कर रखा है। कल विशेष श्री कृष्ण भगवान के रात्रि के 12 बजे के बाद, आज रात्रि 12 बजे के बाद जन्म होगा, कल को जन्मोत्सव मनाया जाएगा। वहीं मेला क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोहाघाट थाने के SHO अशोक कुमार के नेतृत्व में जगह जगह पुलिस बल तैनात किया गया है। SHO ने बताया कि मेला क्षेत्र में वाहनों को प्रतिबंधित कर दिया गया है और मंगलवार को यहाँ विशाल मेले का भी आयोजन होगा। दूर दूर इलाके से आए व्यापारियों ने मेला क्षेत्र में अपनी दुकानें सजा ली हैं। मंगलवार को ऋषेश्वर मंदिर में विशाल भंडारे के साथ श्रीमद् भागवत कथा का समापन भी किया जाएगा। इसके अलावा एकता चौक के व्यापारियों के द्वारा श्री कृष्ण की शानदार झांकी निकाली जाएगी, जिसके लिए व्यापारियों ने पूरी तैयारी कर ली है। आज भक्तों के द्वारा अपने परिवार और इलाके के सुख शांति के लिए ब्राह्मणों के द्वारा पाठ भी पढ़वाया गया। हम लोगों ने कुछ पॉइंट निर्धारित किए हैं, इससे मेले में यातायात व्यवस्था और अव्यवस्था ना हो किसी प्रकार की भी। हमने प्राइवेट में जो है पुलिस वाले भी लगा रखे हैं ताकि किसी प्रकार की छेड़खानी ना हो। दूसरा, यातायात व्यवस्था सुचारू करने के लिए हमने मुख्य पॉइंट जो है जैसे कुछ चौराहे हैं उन पर हमने बिल्कुल ब्लॉक कर दिया कि मेले में किसी प्रकार की कोई गाड़ी नहीं जाएगी, ना उस रूट से निकलेगी। चलो, उसके लिए हमें SP महोदय की तरफ से फोर्स प्राप्त हुआ है, DSP भी है और हम लोग जो है पूरी तरह से चाप चौबंद हैं। UP News 9 के लिए लोहाघाट से लक्ष्मण सिंह बिस्ट की रिपोर्ट।